ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम स्विट्जरलैंड क्रॉस करके जर्मनी में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है टैक्स, या कुछ जिस तरह से हमारा टोल टैक्स होता है या कुछ कस्टम टैक्स ऐसा कुछ पे करना होता है। तो इसीलिए बस रुकी हुई है और वो कस्टम टैक्स पे किया जा रहा है, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। दिस इज नो मैन्स लैंड, ठीक है। अभी नाम जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ जितना आतंक मजा सकते हो मजा सकते हो, ना जर्मनी में ना स्विट्जरलैंड में, नो मैन्स लैंड। But again, there would be a border. You will see a little border, and then we are into Germany. Okay. What was that place? Custom tax दे रहे थे। नहीं तो वहाँ पे क्यों था? Border के बाद होना चाहिए। अभी हम कहीं के नहीं हैं, ना स्विट्जरलैंड के ना जर्मनी के, नो मैंस लैंड में हैं। और अब हम एंटर करने वाले हैं जर्मनी में। ये देखिए, ये जॉल सर्विस जॉल न्यास, और ये एंट्री थी। अब हम जर्मनी में एंटर कर गए। तो बीच का करीब आधा किलोमीटर का पैच जो था वो नो मैन्स लैंड था। जर्मनी सो नाउ वेलकम टू, ठंडा था मौसम जैसा ठंडा, वेलकम टू जर्मनी। ऑलराइट, क्वेश्चंस नाउ, राइट? What was that where you chocolate nahi milega, stop the bus? What was the purpose? We got to do the registration for the group and stamping, custom stamping. I see. you don't have to show that here at the border. Okay, right? Actually, जहाँ रुके थे वो था स्विट्जरलैंड का एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पे एग्जिट प्लांट में पॉइंट में मदरलैंड सील लगवाना पड़ता है। All other country और अभी जो आपको दिखा वो गेट था एंट्री टू जर्मनी, बट जर्मनी में नहीं लगवाना पड़ता, सिर्फ एग्जिट हमें लगाना पड़ता है ये। और अब हम जर्मनी में ही घूम रहे हैं। ये है जर्मनी, विच इज अनदर रशिया, यस। ये बताया जा रहा है कि रशिया और जर्मनी दो कंट्रीज हैं जो कि अपने आप को फादर लैंड बोलते हैं, नेचुरली वो मदर लैंड नहीं फादर लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लोगों में एटीट्यूड होता है, फादर वाला एटीट्यूड। मेरे बाप की कंट्री फादर लैंड, हिस्ट्री इज द गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। जर्मनी इज द वन हु ऑलवेज जंप इनटू द वॉर्स, राइट? रशिया इज द वन हु ऑलवेज जंप इनटू द वॉर। तेरे ऐसी तैसी, मेरे बाप का देश तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, एंड दे आर ऑल इनटू द वॉर। सो दैट्स देयर इनटू द साइकोलॉजिकल इमोशन, मेक सेंस? व्हेन यू गो टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, राइट, इट इज मोर हिस्टोरिकली ब्यूटिफुल। सो बिल्डिंग्स एंड ऑल द हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर्स and all the rise and falls of kingdom, you will see that in Dresden, which is east, Berlin, which is east, Munich, which is east, right? This we are touching the western part of Germany, which is more naturally beautiful, and people are much calmer and quieter in this part. When you go further that side, you will find more population and people are more running, like in Mumbai or in Bangalore or in any big city, right? Here people are more on a countryside part. Yes? Panorama. It was Germany. Second World War, center was Germany. And we talk a lot about Hitler. Right? When we talk about Germany, aisa ho nahi sakta ki aap Hitler ki baat na kare. Winston Churchill, right? Telling and explaining the situation in India that people are dying, we should release Russian. You know the meaning of swastika? Jo design hai uska matlab jante hain? Koi to janta hoga shabd? Jante to hai, lamba choda hai. Like this, so this black forest is black forest shuru ho gaya. Like this, more, this is vertical, this is horizontal, sorry. Right? Am I right? This is horizontal, this is vertical. So we are crossing vertically. And the forest is spread mostly like this. So to the right and left hand side you will see more of black forest. Why it is black forest? Because the trees are really thick and the sun rays could hardly penetrate to the ground, which gives the wood certain kind of, I would say, the lightness. Further distance, it looks black.
इतना खूबसूरत मौसम है और आप देखें ये उमड़ते घुमड़ते बादल बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में एक गीत मुझे याद आ रहा है, बहुत ही पुराना सा गाना है, थोड़ा गाती हूँ गुनगुनाती हूँ। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे के नाम मेरा जल की धारा। देखिए जल की धारा भी है और बादल भी है, इतना खूबसूरत मौसम है और हम गुजर रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट से। अब इससे अच्छा क्या दृश्य मिलेगा देखने के लिए और इससे सुखद क्या अनुभव होगा। आगे भी हम देखते हैं आगे क्या क्या है। Ladies and gentlemen, boys and girls, please prepare yourself. We will be getting down now in 1 minute. We have already reached here. As you get down, please follow the flag, everybody. And we will go and see the demonstration first. After demonstration, we will have free time to purchase and have lunch. Make sure if you have brought food with you, this is the time you should take your food down from the bus. So, अभी जो लोग खाना लेके आए हैं, लंच स्टॉप हम यहीं पे करने वाले हैं, तो खाना साथ में लेके उतरेंगे। वी विल बी स्टॉपिंग हियर फॉर लंच फॉर कुकू क्लॉक डेमोंस्ट्रेशन एंड कुकू क्लॉक परचेज। यहाँ हर घंटे कुछ रोटेट होता है, डांसिंग होती है कोको क्लॉक की, और वो एक यहाँ देखने की चीज़ है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक फोटो खींचो। कोको क्लॉक इस जगह पे आए, यहाँ पे कोको क्लॉक का ही इन्वेंशन भी हुआ था और यहाँ मिलता भी है। तो हमें कार्ड दे दिए गए हैं, डिस्काउंट मिलेगा टैक्स में अगर हम इनके हिसाब से कुछ ऐसा ख़रीदते हैं। 300 फ्रैंक तो था, अब यूरो में कितना है मालूम नहीं, देखते हैं। More than 50 euro VAT refund is there. अभी हम कोको क्लॉक का डिमो देखने जा रहे हैं, उसके बाद फ्री टाइम है जब हम परचेज कर सकते हैं। everybody.
Good afternoon, welcome to the Black Forest. My name is Arpita. I'm going to tell you a little bit about the history of Kumu cloth and how we make them over here. So, the very first cloth that came out of the Black Forest was this right over here. अब क्योंकि ये डेमो बहुत बड़ा है तो इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालूंगी कुकू क्लॉक के इन्वेंशन और उसके पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का, ताकि आप उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। इस वीडियो के साथ इसे इंक्लूड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इस डेमो को यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं कि आगे हमने ब्लैक फॉरेस्ट में क्या क्या देखा। बस होने ही वाला है, मम्मी तुम ध्यान दे रहे हो। हर घंटे इस कुकू क्लॉक में ये निकलते हैं डांसर्स और डांस करते हैं। तो अभी एक बजने वाला है यहाँ का और ये शुरू होने वाला है। नहीं, वो रिवॉल्विंग है। अरे हो गया। ये हम ब्लैक फॉरेस्ट में इस रेस्टोरेंट में आए हैं, कुकू क्लॉक वाली जगह पे। हेलो, और सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि यूट्यूब पे वीडियो आएगी, तो सभी आके हाय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें कोई भी इंडियन डिश नहीं मिलती है, तो हमने जो लिया है ये पोटैटो विथ सम काइंड ऑफ सॉस इज देयर, और चिकन है, बस ये लिया है। बाकी यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक हम ज़रूर खाने वाले हैं, वो खाएंगे। बाकी डिशेस क्या हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगी, अभी तो बैठ के खाती हूँ। और ये है ब्लैक फॉरेस्ट का ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसमें कहा जाता है कि इस केक में अल्कोहल ज़रूर होता है, और अगर आपको कोई ब्लैक फॉरेस्ट केक दे रहा है और उसमें अल्कोहल नहीं है तो वो फेक है, बिकॉज इसकी पहचान ही है कि इस केक में अल्कोहल होता है। तो हम अभी ब्लैक फॉरेस्ट एरिया में ही हैं और ब्लैक फॉरेस्ट एरिया से हमने इसका ओरिजिनल ब्लैक फॉरेस्ट केक लिया है और इसको हम एंजॉय करने जा रहे हैं। अल्कोहल है तो क्या हुआ। तो अभी हम लोग कुकू क्लॉक, जहाँ पे बताया गया, हमें डेमो दिया गया, उसी ब्लॉक में हैं और नीचे हैं। हेलो, और यहाँ ये ऑटोमेटिक खुलने वाला दरवाज़ा है और इसके अंदर ये सारे चॉकलेट्स और बहुत तरह की चीज़ें हैं, वाइन है। और यहाँ पे ये है केक,
और तीन चार तरह के केक हैं जिसमें से ब्लैक फॉरेस्ट केक ज़रूर ट्राई करने का बनता है, जो मैंने ट्राई किया भी, बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट है जो हमारे यहाँ मिलता है, बिल्कुल उससे अलग है। और चूँकि हम ब्लैक फॉरेस्ट में हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ का जो हमने खाया वो बिल्कुल ओरिजिनल खाया। ये सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये देखिए ये भी हमने खाया, ये एप्पल वाला, ये भी बहुत ही टेस्टी था, कुछ अलग सा नाम है मैं भूल रही हूँ। ये देखिए तरह तरह के, दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी, ये भी एप्पल का ही है, पाई की तरह है, बट इन लोगों ने कहीं पे नाम लगाया नहीं है तो। और ये सब सारे जो हैं डिशेज़ हैं जो कि ब्लैक फॉरेस्ट विलेज में ये लिखा हुआ है आपको कि ये सारे डिशेज़ हैं यहाँ। और यहाँ देखिए, ये इंडियन अगर कुछ खाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, वैसे तो सभी खा सकते हैं, अगर आप पोर्क खाते हैं तो सब कुछ खा सकते हैं। और इधर कुछ सैलड है, और ये सजावट में इन्होंने कुछ रखा हुआ है, प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये देखिए चम्मच। और ये इतने सारे लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, तो यहाँ कहा गया कि अगर आपके पास, आप नॉन वेज खाते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है, वेजिटेरियन खाते हैं तो थोड़ा कम है। तो चलिए मैं यहाँ फ़ोटो खींचती हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट से निकल चुके हैं नशारा, और अब हिडल बर्ग जा रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है, दो जगह रुकते हुए जाएंगे, एक जगह तो गैस स्टेशन पे और उसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम ये सब रुकेंगे और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे हिडल बर्ग। हिडल बर्ग में हमारा ओरिएंट स्टेशन टूर होगा, फिर आगे जाएंगे। 3 घंटे की जर्नी है, बीच में कुछ गेम्स होने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या है। रेड ट्रेन,